हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज है 12.2। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक्सरसाइज 12.2, द हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड फर्स्ट पार्ट में है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक, डायग्राम मेंशन किया हुआ है कि किस तरह का डायग्राम है, बुक में ही है। तो बुक में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है, एक स्क्वायर शेप। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। ठीक है, और इसमें ग्रास है सब तरफ, ठीक है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, घास का मैदान है स्क्वायर शेप का। इसके एक कॉर्नर पर खूंटे से एक हॉर्स घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, अब ये जो साइड है ना, इसकी साइड की लंबाई है 15 मीटर। फर्क नहीं पड़ता, 15 मीटर से आपको कुछ नहीं करना है। ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर, सब 15 मीटर होगा, लेकिन 15 मीटर से कोई ख़ास आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस 15 मीटर के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी ये नहीं है, रोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो हॉर्स टाइड किया हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लेते हैं ये हॉर्स है, ठीक है, 5 मीटर रोप, और यहाँ पर भी ग्रास है, यहाँ पर भी ग्रास है, यहाँ पर भी ग्रास है। अब पूछ रहा है कि द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रोज, हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, वो जो हॉर्स है वो कितने घास को ग्रेज करने के लिए एबल है, कैपेबल है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर वो घास ग्रेज कर सकता है, तो यहाँ का कर सकता है, यहाँ का कर सकता है। और 5 मीटर लंबी रस्सी अगर है आपकी, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कर सकता है और यहाँ से यहाँ तक कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेट आप अगर और करें तो ये जो है एक सेक्टर का फॉर्मेशन करता है, और आपको मालूम है कि एंगल जो होगा, सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कह रहा है कि वो पार्ट के एरिया निकालिए जिस पार्ट को हॉर्स ग्रेज कर सकता है, घास चढ़ सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक, किसके इक्वल होगा पता है, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इसके इक्वल होगा। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, ठीक है, एंगल जो होगा यानी कि थीटा, वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्या गिवन है, सिंस स्क्वायर शेप्ड गिवन। ठीक है, स्क्वायर शेप गिवन, ये स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप का जो कॉर्नर पर एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, रेडियस जो होगा आपका, रेडियस वो क्या होगा, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की जो लंबाई है वही तो रेडियस होगा, वो कितनी है, 5 मीटर, यही 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, पाई की जगह 3.14 का है लेने के लिए 3.14 ले लेंगे, एरिया थीटा की जगह 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर क्या है 5 × 5, 10 से 10 कैंसिल, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, ठीक है, ये क्या हो गया आगे 3.14 इंटू 5 × 5 = 25 डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, या फिर 3.14 को 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कर दो, या 25 को डिवाइड कर दो 4 से, जो आएगा उसे 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कर लेते हैं हम, 25 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 × 6 = 24, 5 − 4 = 1, पॉइंट दिया 0 हो गया, 4 × 2 = 8, 2 आ गया, पॉइंट के बदले में हर स्टेप पर 0 दे सकते हैं, 4 × 5 = 20, कैंसिल 6.25, क्या है आपका 3.14 × 6.25, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, उस नेक्स्ट स्टेप है आपका 3.14 × 6.25 क्यों, क्या 25 को 4 से डिवाइड करने पर आया। अब 3.14 को और 6.25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो होगा आपका, ये हम कैलसी से कर लेते हैं थोड़ा टाइम बच जाएगा, 3.14 × 6.25 ये हो जाएगा 19.625। यूनिट क्या था आपका, मीटर में दिया हुआ है ना, मीटर में मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया जहाँ पर घास चर सकता है घोड़ा, ठीक है, 19.625 meter square। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे मिटाते हैं और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो 5 से आपको मतलब था, यानी कि 5 मीटर लंबी रोप से, ना कि 15 मीटर से। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कहा यह जा रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया बढ़ जाएगा अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लिया जाए, ठीक है। तो आपका थीटा एंगल तो क्या होगा, मार्कर इज नॉट वर्किंग, एंगल यानी कि थीटा की जगह पर तो होगा वही 90 डिग्री, ठीक है, बस रोप की लंबाई बढ़ गई, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप यानी क्या हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वही, एरिया ऑफ सेक्टर इज दैट प्लेस वेयर हॉर्स कैन बी ग्रेज, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया आपका, फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर 90 अपॉन 360 डिग्री, पाई की जगह लिखेंगे 3.14, आर की जगह रेडियस की जगह हो जाएगा 10, ठीक है, 10 × 10। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 10 और 10 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो यहाँ क्या हो गया 1/4, और ये क्या हो जाएगा 3/14, ठीक है, 3/14 हो जाएगा क्योंकि 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो आप कर लेना इजी है, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, 300 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 15 टाइम में 30 हो गया, 1 इधर शिफ्ट हो गया, 2 × 7 = 14, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो आपको डायरेक्ट कैंसिल होता है वो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, आप अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 1 इधर शिफ्ट हुआ, ये हो गया 17, तो 2 × 8 = 16.5, ठीक है, 78.5 meter square एरिया आया है। तो ये आंसर नहीं आया, आपको निकालना है कितना एरिया का हिस्सा जो है इंक्रीज हो गया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो अब लिखेंगे द इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया 78
0.5 मीटर स्क्वायर में से पुराना वाले एरिया को माइनस कर देंगे। देखिए 10 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक गया, अब यहाँ से यहाँ तक वो खा सकता है, मतलब इंक्रीज एरिया को, यहाँ से यहाँ तक का घास जो है वो ग्रेज कर सकता है यहाँ से पूरा, ठीक है। तो पहले तो इतना था ही, इंक्रीज़ कितना किया, इतना ही से इंक्रीज़ किया ना, तो यहाँ से इतने एरिया में से इतने एरिया को माइनस कर देंगे तो इंक्रीज एरिया निकल जाएगा। तो 78.5 मीटर स्क्वायर 10 वाले रेडियस से निकला था, और इससे क्या निकला, इसे माइनस कर देंगे 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे अगर माइनस करें 78.5 माइनस 19.625 ये हो रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये तो हमने लिखा था, इस रहने दिया था इसलिए कि यहाँ माइनस में आपको काम आएगा, ये तो फर्स्ट पार्ट का था, सेकंड पार्ट आपका यहाँ से यहाँ सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। द इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, ये निकल गया सेकंड पार्ट सॉल्व। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।